संकट का असर अब खाने पीने की चीजों पर भी देखने को मिल रहा है। खास तौर से बाजारों में मछलियों की खपत बेहद घट गई है, लोग इसे खरीदने से परहेज कर रहे हैं। दरअसल जब से मीडिया में कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों के शव नदियों में फेंकने की खबर सामने आई, तब से कई लोगों ने संक्रमित होने के खौफ की वजह से मछली खाना बंद कर दिया है, जिससे शहर के कई बाजारों में मछलियों की बिक्री प्रभावित हुई है। हालांकि एक्सपर्ट ने पानी के जरिए महामारी में फैलने की आशंका को खारिज किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि ऐसा कोई साइंटिफिक रिसर्च सामने नहीं आया है कि मछलियों में संक्रमण देखने को मिला है। फिलहाल इस संबंध में वायरोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, इसके बारे में तो एपिडेमियोलॉजिस्ट सबसे अच्छा बता सकते हैं, और जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं जो नदियों के पानी की टेस्टिंग करते हैं, अगर नदियों का पानी का टेस्ट कर लिया जाए और वो उसमें अगर पॉजिटिविटी आती है तो, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा नदियों का में पानी बहाव इतना ज़्यादा होता है कि अगर कोई संक्रमण संक्रमित बॉडी अगर फेंक भी दी गई है तो बहाव से वो वायरस तो दूर निकल जाए, तो इस तरह से वैसा नहीं लगता है कि इससे मछलियों में कोई संक्रमण हो। फिर भी इसकी वैज्ञानिक सत्यता तो आप प्रमाणित होनी चाहिए।